ई जाने क्या हुआ था सलमान और ऐश्वर्या के ब्रेकअप की उस खौफनाक रात, जिसके बाद ऐश्वर्या ने किया अभिषेक बच्चन से शादी। बॉलीवुड के दबंग नाम से फेमस सलमान खान अपने अदाकारी के अलावा अपने विवादों को लेकर भी चर्चा में बने रहते हैं। आपको बता दें कि सलमान खान जितने ज्यादा फेमस होते गए उतने विवाद भी उनके साथ जुड़ते गए। ऐश्वर्या राय और सलमान खान की ब्रेकअप नहीं सलमान खान के लिए बहुत ही बड़ा विवाद साबित हुआ। जितना सलमान खान और ऐश्वर्या राय की प्रेम कहानी फेमस हुई उससे कहीं ज्यादा इन दोनों की ब्रेकअप खबरें सोशल मीडिया पर छाई रहीं। सलमान खान और ऐश्वर्या की प्रेम कहानी से लेकर ब्रेकअप तक सभी जानते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच कुछ ऐसी भी बातें हुई जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। बॉलीवुड में सलमान खान और ऐश्वर्या की प्रेम कहानी को मिसाल दिया करते थे, लेकिन ऐश्वर्या ने जब कहा कि सलमान खान के साथ उनका रिश्ता नॉर्मल नहीं था। आपको बता दें कि सलमान के साथ ऐश्वर्या हमेशा खौफ के साए में रहती थी। ऐश्वर्या ने मीडिया को बताया कि सलमान खान अक्सर उनके चरित्र पर शक करते थे और शराब के नशे में अक्सर उन्हें मारते पीटते थे। ऐश्वर्या ने ब्रेकअप की उस खौफनाक रात के बारे में बताया कि सलमान नशे की हालत में उनके घर आए और चिल्लाते हुए दरवाजे को पीटने लगे। ऐश्वर्या ने जब तक जवाब नहीं दिया तब तक सलमान दरवाजा पीटते रहे जब तक कि उनके शरीर से खून नहीं निकल गया। इस घटना के बाद ऐश्वर्या के पिता ने सलमान खान के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। ऐश्वर्या ने बताया कि वो सलमान खान के लिए सब कुछ की थी, लेकिन सलमान उन पर अक्सर गुस्सा करते थे। सलमान खान की इन हरकतों से बाजाकर ऐश्वर्या ने सलमान खान से दूर होने में ही अपनी भलाई समझी। ऐश्वर्या ने ये भी कहा था कि सलमान उन्हें धमकी भी दिए थे और वो ऐश्वर्या से कमिटमेंट चाहते थे, जबकि ऐश्वर्या सलमान को कमिटमेंट नहीं दे रही थी और यही कारण बना ब्रेकअप का। इसके अलावा सलमान खान ने कैटरीना कैफ के घर पर भी जमकर हंगामा किया था।